कितना मजा आ रहा है ना। वैसे आपको पता है इतना मजेदार जो हमारा दिन यहाँ पर बीत रहा है ये और भी मजेदार होने वाला है क्योंकि हम ये दिन किसके साथ बिताने वाले हैं, ईशिता के जीजा जी, हाँ यानी कि अनुराग के साथ, जो बहुत जल्द दूल्हे राजा बनने वाले। क्या कहते इनके साथ कुछ मजे के पल बिता ले, कर ले एक मजेदार डे आउट। कभी टीवी स्क्रीन पर अपनी महबूबा का दीदार करते, तो कभी अपनी दिलरुबा की फोटो सीने से लगाई डांस करते, ये हैं अनुराग शर्मा जिन्हें आप सीरियल पवित्र रिश्ता में सतीश देशपांडे, ये है मोहब्बते में परम, कुमकुम भाग में राज मेहरा और बहुत सारे सीरियल्स में देख चुके हैं। बहुत जल्द ये शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इसीलिए ये दूल्हा बनने की तैयारी में जुटे हैं। हेयर स्पा करा रहे हैं, चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए फेशियल करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होने वाले दूल्हे यानी कि अनुराग शर्मा के साथ ये शादी वाला डे आउट, जहां सास बहू और बेटियां को सबसे पहले इन्होंने दिखाया अपनी शादी का कार्ड और बताया कि कैसे हुई थी इनकी नंदिनी के साथ मुलाकात। तो शुरुआत हम करेंगे आज अपने शादी के कार्ड से और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा शादी का कार्ड है कैसे। अनुराग एंड नंदिनी, अनुदिनी, किस्मत कनेक्शन। अनुदिनी मतलब अनुराग प्लस नंदिनी इज इक्वल टू अनुदिनी। और ये नाम जब मैंने लिया, जब मैंने नंदिनी को बताया कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है, तो उसको बहुत खुशी हुई। तो हमारी मुलाकात हुई थी 2012 में और मेरे घर के बाहर रोड पर ही मैं जा रहा था और सामने से नंदिनी मुझे नज़र आई और जिस तरह से हमारी बातों की शुरुआत हुई, उसने बोला हाय आई एम नंदिनी गुप्ता, वो कमाल था। मुझे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था। शादी का कार्ड ही नहीं, इन्होंने तो शादी की अंगूठी और नंदिनी के लिए अपनी पसंद का मंगलसूत्र भी बनवाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिंग दिखाना चाहूंगा जो नंदिनी ने भी अभी तक नहीं देखा हुआ है एंड आई होप कि उसको देख के बहुत खुशी होगी और रिंग उसको पसंद आएगी। एंड रिंग के बाद ये है हमारी शादी के लिए मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मैंने नंदिनी की चॉइस से पूछ करके लिया हुआ है, रिंग उसके लिए सरप्राइज है। इनका रिश्ता जुड़ा है सुरों से, दोनों को गाना गाना बहुत पसंद है। इन्होंने तो अपनी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भी खुद ही गाना लिखा है और गाया भी है। सुन हिरिए सुन सुन हिरिए ना जावे मैनू छड़ के, मर जाना है मर जाना वे नाम तेरे तो हटके, तेरे नाल जिंदड़ी सोनी सोनी लग दी, रुखी सुखी रोटी मैनू मक्की जो लग दी। सुन माहिया सुन सुन माहिया सुन माहिया ना जावी ना जावी साथ छड़ के, अब
बारी है इनकी नंदिनी से मुलाकात करने की, जो हर पल इनकी नजरों के सामने रहती है, कभी फोटोज में तो कभी टीवी स्क्रीन पर। ये है मेरी नंदिनी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी और मेरे दिल के बेहद करीब। और ये मैं हूँ अनुराग, नंदिनी और हम दोनों को जिस किस्मत ने हमें मिलाया है, जो किस्मत कनेक्शन हमारा हुआ है, हमने उसे नाम दिया है अनुदिनी। चलिए बातें बहुत हो गई, अब इनके साथ चलते हैं बैंड्रा के कलर कैफे सैलून एंड वैदिक स्पा में करवाने इनका मेकओवर। हाय गाइस, तो हम बैंड्रा पहुंच चुके हैं यहाँ पर कलर कैफे सैलून एंड वैदिक स्पा में। क्योंकि मैं दुल्हा हूँ तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है मेरे मेकओवर के साथ में, तो लेट्स ही देखते हैं क्या मेरे फेस के साथ में होगा, क्या मेरे बालों के साथ में होगा और मैं कितना हैंडसम बन के यहाँ से निकलूँगा। चलिए तो फिर सबसे पहले हम थोड़ी सी बालों की केयर करते हैं, लाइक हेयर स्पा। शुरुआत हुई हेयर स्पा से, जहां इनके बालों में स्पा क्रीम लगाकर मसाज किया गया और फिर बालों को स्टीम दिया। उसी दौरान आ गया इनकी होने वाली बीवी नंदिनी का फोन, जो दिल्ली में कर रही है अपने शादी के जोड़े की शॉपिंग। अरे, here is my designer. Oh my God, bride भी है, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये हमारी होने वाली दुल्हन है, मिस नंदिनी गुप्ता, और अभी ये अपने डिजाइनर के पास गई हुई है, अब्दुल रहमान जी के पास में, एंड उन्होंने ये ड्रेस बनाई है इनके लिए एंगेजमेंट की। और आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हो बच्ची। अरे टाटा बाय, ऐसे थोड़ी ना, दुनिया आपको देख रही है, कुछ बोल तो दीजिए। I miss you. Yes. मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ, जाने अपनी छोड़ के। हेयर स्पा के साथ साथ इन्होंने पैरों का मसाज भी करवाया और अपनी बॉडी को रिलैक्स भी किया। मुझे बहुत आनंद आया और मैं चुपचाप शांति से लेट कर सिर्फ म्यूजिक सुनता रहा और एंजॉय करता रहा। आई थिंक इट वॉज ब्यूटीफुल। चलिए अब बारी है चेहरे की चमक को बढ़ाने की। भाई दूल्हा बनने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने चुना खास ग्रूम फेशियल। सारा जहां ये अजनबी,
तो फेशियल तो हो गया, अभी जल्दी से हम हेड वॉश करके फिर देखते हैं लुक कैसा आ रहा है। फेशियल हो गया, बाल भी सवर गए और सास बहू और बेटियां संग ये मेकओवर डे आउट भी पूरा हुआ। अब बस इंतजार है दूल्हे राजा के घोड़ी चढ़ने का और इनकी शादी का सफर आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। बहुत ही खूबसूरत बीता है सास बहू और बेटियां के साथ में। मेरा साथ नया नहीं, बहुत पुराना है। काफी टाइम से मैं आप सबके साथ, आप सबके बीच में आता रहा हूँ और आज फाइनली मेरे शादी के टाइम पे जो मुझे मौका मिला है, जो मुझे प्यार मिला है सास बहू बेटियां की तरफ से, थैंक यू सो मच। श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक ना जा।